सर्वेषां कृते नमो नमः। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 7, आवासीय विद्यालय। इसके ठीक नीचे लिखा है तुमुन प्रयोगा। तुमुन प्रत्यय है। इस पाठ में तुमुन प्रत्यय के प्रयोग को दर्शाया गया है, यानी तुमुन प्रत्यय के शब्द इसमें बताए गए हैं। तुमुन का अर्थ होता है के लिए। के लिए और भाव के अर्थ में धातु के साथ इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन का तुम शेष रह जाता है। क्रिया अर्थात मुख्य क्रिया के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भविष्य काल के रूपों द्वारा तुमुन रूप बनाने में सरलता होती है, जैसे पठितुम, गंतुम, खादितुम इत्यादि। अब पाठ के शीर्षक को देखते हैं। आवासीय विद्यालय अर्थात रहने के लिए विद्यालय। आधुनिक आवासीय विद्यालय प्राचीन गुरुकुल पद्धति का ही प्रतिबिंब है। गुरु शिष्य के सानिध्य में विकसित ज्ञान एवं संस्कार का इस पाठ का प्रयोजन है। पाठ में बताया गया है कि जिस प्रकार आज छात्र पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालयों में जाते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में गुरुकुल जाते थे। गुरु उनके रहने और पालन पोषण की व्यवस्था करते थे। छात्र 12 वर्ष तक गुरु के पास रहते थे। उस समय पाठ्यक्रम का वैसा विस्तार नहीं था जैसा आज है। तब कुछ छात्र शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने, कुछ वैद्य बनने, कुछ वेदांत ग्रंथों को पढ़ने गुरुकुल आते थे। गुरुकुल की व्यवस्था चलाने में राजा सहायता करते थे। छात्र स्वावलंबी जीवन बिताने के लिए सब कार्य स्वयं ही करते थे। वे प्रातः उठकर स्नान के लिए नदी पर, पुष्प चुनने के लिए वाटिका, वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन करते थे। ये छात्र ही गाय बैलों को चराने, कंदमूल लाने और समिधा संग्रह करने के लिए वन जाते थे। समिधा अर्थात और भी जरूरी वस्तुओं का संग्रह करने के लिए वन जाते थे, लकड़ियाँ इत्यादि। अन्न आदि भोज्य ग्रहण करने के लिए गांव जाते थे। गुरुजन भी छात्रों की रक्षा और स्नेह में निरंतर तत्पर रहते थे। गुरुपत्नी छात्रों को मातृवत व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध रहती थी, यानी मातृवत गुरु की पत्नी का व्यवहार होता था। आश्रम का वातावरण स्नेह से परिपूर्ण था। कोई भी छात्र आश्रम को त्यागना नहीं चाहता था। आधुनिक आवासीय विद्यालय की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अभिभावक शुल्क देते हैं। अब छात्र जीवन की कठोरता के विषय में सोच नहीं सकते। सब वस्तुएं देने के लिए सेवक नौकर होते हैं। शिक्षक ज्ञान देने में संलग्न होते हैं। आधुनिक आवासीय विद्यालय में छात्र खाने के लिए भोजनालय, खेलने के लिए खेल का मैदान, रहने के लिए छात्रावास और पढ़ने के लिए शैक्षिक भवन जाते हैं। ये भवन परिसर में ही होते हैं। प्राचीन गुरुकुल की अपेक्षा आधुनिक आवासीय विद्यालय में छात्रों की जीवनचर्या सुविधापूर्वक बनाने के लिए प्रबंधक आदि प्रतिबद्ध होते हैं। परिणाम स्वरूप छात्र सहर्ष विद्यालय में रहते हैं। इसलिए छात्र अभी जो आधुनिक आवासीय विद्यालय है उसमें खुशी खुशी रहना पसंद करते हैं। अब इसमें कुछ तुमुन प्रत्याधारित शब्द है जिसे चुनकर लिख, जैसे हस जोड़ तुमुन हसितुम, पच जोड़ तुमुन पतितुम, क्रीड जोड़ तुमुन क्रीडितुम इत्यादि।